आज हम बनाए हैं आलू परवल की बहुत ही टेस्टी सब्जी, वो भी बिल्कुल सिंपल तरीके से। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा गरम मसाले नहीं, फिर भी आप ऐसे सब्जी आप बना सकते हैं जो कि मेहमान को भी आप दे सकते हैं। जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। आपका हमारे YouTube चैनल अंशुमान की रसोई में स्वागत है। और चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और बहुत ही अच्छी सी परवल की सब्ज़ी बनाने का ये वीडियो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। अगर आप इस तरीके से सब्ज़ी बनाएंगे तो बच्चे बड़े हर कोई इसे खाना पसंद करेगा। इसे आप रोटी के साथ खाएं, चावल के साथ खाएं, पूड़ी या पराठा किसी भी चीज़ के साथ खाएंगे, आपको बहुत ही अच्छी ये सब्ज़ी लगेगी। तो चलिए इसे हम बनाते हैं। परवल की सब्ज़ी बनाने के लिए हम ये परवल लिए हैं, एक पाव इसे धो करके हम थोड़ा बड़े साइज़ में गोल गोल कट कर लिए हैं। और ये है आलू, आलू को भी हम छील के धो के इसे भी थोड़ा मोटा ही कट कर लिए हैं। तो आलू परवल की सब्ज़ी में हमें इसे थोड़ा मोटा ही कट करना है ताकि ये सब्ज़ी देखने में इसका लुक अच्छा लगे। और इसमें प्याज है, लहसुन है, जीरा है, 3 से 4 हमारी मिर्च लिए हैं, टमाटर लिए हैं प्यूरी बनाने के लिए। और अब हम गैस पर रखेंगे कढ़ाई। तो तेल हमारा अच्छे से गर्म हो रहा है, तो तेल जब अच्छे से आँच आने लगे तो आप इसमें परवल को डालें और इसे 2 से 3 मिनट तक आप पलटे से चलाते हुए इसको थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन होने तक आपको पका लेना है। इसे बिल्कुल काला नहीं करना है, थोड़ा सा इसके ऊपर कबड़ जैसा थोड़ा लाल लाल दिखने लगे तो आपको इतना ही पकाना है। और परवल को अगर हम इस तरीके से तेल में फ्राई करके बाहर निकाल लेते हैं तो इससे हमारी सब्ज़ी का टेस्ट और बढ़ जाता है। तो अक्सर हम लोग गाँव में किसी पर्व या त्यौहार पर इस तरीके से परवल की सब्ज़ी बनाते हैं तो वो सब्ज़ी बहुत ही अच्छी बन के तैयार होती है। तो गाँव में हम लोग मेहमान के आने पर इसी तरीके से सब्जियों को बनाते हैं और इसी का वीडियो हम आपके साथ शेयर किए हैं। तो जब तक हमारा परवल पक रहा है तब तक हम प्यूरी बनाते हैं। तो जो हम प्याज, लहसुन, हरे मिर्च और जीरा, टमाटर और 2 से 3 लौंग लिए हैं, इसे हम मिक्सी जार में अच्छे से पीस लिए हैं। तो देखिए बहुत ही फाइन साइज का पेस्ट बन के तैयार हुआ है और इससे हमारी सब्ज़ी जो है बहुत ही अच्छी, इसका जो लिक्विड बनेगा बहुत ही गाढ़ा गाढ़ा रहता है तो देखने में भी अच्छा लगता है, खाने में भी स्वाद अच्छा लगता है। और इधर देखिए हमारा ये परवल अच्छे से पक चुका है, तो इसको हम थोड़ा सा हाई फ्लेम करके इसमें अच्छे से हम कलर लाते हैं। तो तेल की मात्रा थोड़ा ज़्यादा आपको करना है ताकि अच्छे से फ्राई हो जाए। और अब हम परवल को बाहर निकाल लेते हैं। तो आपको बस इतना ही आपको फ्राई करना है, बहुत ज़्यादा नहीं फ्राई करना है। देखिए थोड़ा थोड़ा ऊपर से इसमें ब्राउन सा कलर आ चुका है और इसे हम एक किनारे में करते हुए इनके तेल को अच्छे से हम निकाल लेते हैं और पलटे से बाहर निकाल करके रख लेते हैं सारे परवल को। और बस बचे हुए तेल में हम और चीज़ों को डाल करके फ्राई करेंगे। तो अब जो तेल बचा है इसमें हम डालेंगे 1 छोटा चम्मच पंचफोड़न डालेंगे, इसमें खुशबू बहुत अच्छा आता है। इसमें 4 से 5 प्रकार की चीज़ें रहती हैं, जीरा है, सौंफ है और मेथी, मंगरैल, इन सबको डाल करके हम लोग पंचफोड़न बनाते हैं। और 1 छोटा सा प्याज हम कट करके डाल दिए हैं और बाकी प्याज की हम प्यूरी बना लिए हैं। इससे क्या होता है सब्ज़ी का लिक्विड थोड़ा गाढ़ा होता है और खाने में भी अच्छा लगता है। तो थोड़ा जो प्याज हम डाले हैं वो लाल हो चुका है, अब इसी में हम आलू को भी फ्राई करेंगे। तो आलू को आप डाल करके इसे भी 2 से 3 मिनट तक थोड़ा धीमी आँच आपको रखना है, बहुत हाई फ्लेम नहीं करना है। और इसे भी आप फ्राई कर लें और अगर आप चाहें तो इस आलू को भी परवल की तरह छान के बाहर निकाल सकते हैं। तो तेल की मात्रा इसमें काफ़ी है तो इतने में हमारा आलू अच्छे से फ्राई हो जाएगा। तो अब हम आलू को डाल करके तेल में चलाते हैं और इसे हम चला करके एक प्लेट से ढक देंगे 1 मिनट के लिए पकने के लिए। और उतनी देर में हमारा ये आलू अच्छे से बिल्कुल जिस तरह से हम तेल में फ्राई करते हैं सेम उसी तरह से ये बिल्कुल लाल हो जाएगा। और चलते हैं अब हम मसालों को तैयार करते हैं। तो ये जो हम प्यूरी तैयार किए हैं उसमें हम चम्मच के हिसाब में 1 बड़े चम्मच हम धनिया पाउडर लिए हैं और 1/2 चम्मच इसमें हम डालेंगे लाल मिर्ची पाउडर, इससे इसका चटपटा स्वाद बनेगा। और इसमें हम 2 से 3 पैकेट डाल दिए हैं राजेश मसाला है, जो कि मिश्रण गर्म मसाला जो आप बहुत ज़्यादा खाना पसंद करते हैं उसे डाल दें। और ये 2 चम्मच हम इसमें हल्दी पाउडर लिए हैं। तो अगर आपके पास मिश्रण गरम मसाला ये वाला नहीं है तो आप इन्हीं चीज़ों से, हल्दी धनिया पाउडर से भी अगर बनाएंगे तो सब्ज़ी आपकी टेस्टी होगी, लेकिन थोड़ा सा टेस्ट और बढ़ाने के लिए
और खुशबू अच्छी आने के लिए रेडीमेड वाला मसाला हम लोग थोड़ा सा डाल देते हैं। तो चलिए अब हम इधर चेक करते हैं। ये देखिए आलू भी हमारी बिल्कुल अच्छे से फ्राई हो चुकी है और अब हम आलू को चला करके एक साइड किनारे पर लगा देते हैं और नीचे से जब आलू हमारा पक गया तो तेल काफ़ी छोड़ दिया है और इसी तेल में हम मसालों को गिरा लेते हैं और मसाला हमारा अच्छे से पक जाएगा। तो ये देखिए तेल को हम इसमें गिरा दिए हैं और पलटे से चला करके हम सबको मिक्स कर लेते हैं और इसके ऊपर हम आलू को रख देते हैं ताकि मसाले हमारे अंदर तेल में अच्छे से जा कर के पक जाएँ और ऊपर से आलू कर देंगे। इसके ऊपर से हम जो फ्राई किया हुआ परवल लिए हैं उसको भी डाल देते हैं और उसके ऊपर हम दो छोटे साइज़ के टमाटर लिए हैं जो कि हम इसे भी छोटा छोटा कट कर लिए हैं और अब उसे भी हम डाल देते हैं और अब हम चलाएंगे नहीं, बस इसे ढक देते हैं और एक से दो मिनट के बाद हम प्लेट को ओपन करते हैं। प्लेट हमारा थोड़ा चिपटा है, ये आसानी से नहीं उठ रहा है। तो देखिए एक मिनट के बाद हम इसे ओपन किए हैं तो तेल में हमारा मसाला बिल्कुल अच्छे से पक चुका है, साइड में किनारे पे तेल छोड़ चुका है। तो अब इसे हम पलटे से चला करके मिला लेते हैं। तो इसे अच्छे से हम मिला लेते हैं ताकि मसाले आलू परवल टमाटर में चारों तरफ अच्छे से कोट हो जाए। और अब इसमें हम डालेंगे एक से डेढ़ गिलास पानी डालेंगे। आपको बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना है। अगर आप इसमें जूस वाली सब्ज़ी खाना चाहते हैं तो पानी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, बट पूड़ी या पराठों के साथ खाने के लिए या दाल चावल के साथ अगर आप खाना चाहते हैं तो थोड़ा सूखी सब्ज़ी खाना लोग पसंद करते हैं। तो इस तरीके से हम थोड़ी सी लसपसी सब्ज़ी बना रहे हैं। तो अब हम पानी डाल दिए हैं और इसके बाद हम इसमें डालेंगे स्वादानुसार नमक। तो इतनी सब्ज़ी में हम छोटे चम्मच एक चम्मच थोड़ा सा और डालेंगे तो अब इतना ही नमक इसमें पर्याप्त रहेगा और हम नमक को डाल देते हैं। डाल के हम इसे चला लेते हैं और फिर से हम इसे ढकने के लिए छोड़ देते हैं। इस तरीके से आप इसे मिला लें और मिला करके प्लेट से फिर से ढक दें आप। इसे दो से तीन मिनट तक आपको छोड़ना है और दो से तीन मिनट के बाद हम फिर से प्लेट को ओपन करते हैं तो देखते हैं सब्ज़ी हमारी कुछ इस तरीके से पक के तैयार हुई है और बहुत अच्छी चीज़ इसमें खुशबू आने लगी है क्योंकि आलू परवल ये सब हम पहले से अच्छे से पका लिए हैं। बस मसाले को हमें पकाना है तो पानी भी हमें बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं किए हैं। तो एक बार इसे चला करके फिर ढक देते हैं और फिर एक मिनट के बाद ओपन करेंगे। ये देखिए कुछ इस तरीके की हमारी सब्ज़ी हुई है। अब हमें इससे ज़्यादा इसे सूखा नहीं करना है और थोड़ा सा हम चलाते हैं। इसकी ग्रेवी देखिए कितनी गाढ़ी है। कुछ लोग थोड़ा ग्रेवी गाढ़ी करने के लिए दही डाल देते हैं पर इस तरीके की सब्ज़ियों में हमें दही नहीं डालना है। इससे ही हमारी सब्ज़ी बहुत अच्छी हो गई है प्याज और लहसुन से। और ऊपर से हम थोड़ा सा कटा धनिया डाल देंगे हरा वाला, खुशबू भी अच्छी आती है, देखने में इसका लुक भी अच्छा होता है और बिना हरे धनिया की कोई भी सब्ज़ी खाने में अच्छी नहीं लगती मसालेदार। और इसे हम चलाते हैं और गैस को बंद कर लेते हैं और लेते हैं एक प्लेट और आपको दिखाते हैं कितना प्यारा कलर इसका है और बहुत ही टेस्टी हमारी ये सब्ज़ी बनके तैयार हुई है फ्रेंड्स। और इस तरीके की सब्ज़ी अगर आप बनाएंगे तो बच्चे दौड़ के खाएंगे। इसे आप पूड़ी के साथ खाएं, पराठे के साथ खाएं या जब भी कोई अचानक आपके यहाँ मेहमान आता है तो आप उसके लिए भी आप बिल्कुल कम गर्म मसालों में भी इस तरीके की सब्ज़ी बनाएंगे तो ये आपके लिए नुकसानदायक भी नहीं है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मसाले का प्रयोग नहीं किए हैं, सिर्फ प्याज और लहसुन की ग्रेवी है। थोड़ा सा इसमें जीरा और एक दो पाउच हम इसमें डाल दिए हैं खुशबू के लिए मिश्रित गर्म मसाला और इससे हमारी सब्ज़ी बनके तैयार हुई है। बिल्कुल मोटी ग्रेवी वाली सब्ज़ी बनी है और इसे अगर जब आप पूड़ी के साथ खाएंगे तो बहुत ही अच्छे इसका टेस्ट लगेगा या रोटी के साथ खाएंगे। तो इस तरीके से आलू परवल की सब्ज़ी बनाइए, खाइए और खिलाइए। हमारा वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।